नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं मनीष भदौरिया। 2021 में किन राज्यों में सबसे ज्यादा हत्याएं की घटनाएं हुई हैं, कहां दुष्कर्म के मामले सबसे ज्यादा दर्ज हुए हैं, किन राज्यों में सबसे ज्यादा अपहरण की वारदातें हुई हैं और किन राज्यों में सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध हुए हैं, आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। देश में हर दिन 278 अपहरण के मामले। 2021 में आपराधिक घटनाओं में कमी। बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हत्याएं। अपराधों को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी ने 2021 में देश भर में हुए अपराध के आंकड़े बीते दिनों जारी कर दिए हैं। हालांकि 2021 में आपराधिक घटनाओं में 7.6% की कमी आई, पर हत्या, अपहरण और बच्चों के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं SC ST के खिलाफ भी अपराध की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब हत्या और अपहरण जैसे मामले बढ़े हैं, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध भी बढ़ा है, तो कुल अपराधों में कमी कैसे आई? दरअसल 2020 में कोरोना के चलते सरकारी आदेश की अवहेलना के मामलों में भारी इजाफा हुआ था, जिसके चलते 2021 में इस तरह के मामलों में 47% से ज्यादा कमी आई थी। आपको बता दें कि 2021 में देश में कुल 29,272 हत्याएं हुई, यानी हर रोज देश में 80 से ज्यादा हत्या के मामले सामने आए। हालांकि 2020 के मुकाबले उत्तर प्रदेश में हत्या के मामलों में करीब 1.6% की कमी आई। इसके बाद बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा हत्याएं हुई। 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4,28,278 मामले दर्ज हुए और 2020 के मुकाबले महिला अपराध में 15.3% का इजाफा हुआ। बता दें, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध में सबसे ज्यादा मामले पति या रिश्तेदार की क्रूरता के थे। और अगर राज्यों की बात करें तो महिलाओं के खिलाफ अपराध के सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए। इस तरह 2020 के मुकाबले राज्य में बढ़ते अपराध के मामले को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।